ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल वत कथा एस्ट्रोलॉजर में स्वागत है। दोस्तों, इस बार सावन के महीने में बहुत ही सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है। 9 भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिनको संतान के पुत्र के बहुत ही शेष और सर्वार्थ सिद्ध योग बने हुए हैं। इनको निश्चित ही संतान सुख की प्राप्ति होगी। साथ ही अगर इस सर्वार्थ सिद्ध योग में अगर आप शिवलिंग पर एक वस्तु चढ़ाकर अगर 5 दिन उसको खा लेते हैं तो यकीन मानिए आपको संतान की प्राप्ति, अगर आपको पुत्र की कामना है तो पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने व्रत कथा एस्ट्रोलॉजर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें, बगल में बेल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, इस उपाय को आप सावन के किसी भी सोमवार में कर सकते हैं, पहला सोमवार, दूसरा या तीसरा या चौथा। दोस्तों, किसी भी सोमवार में आपको ये उपाय करना है और निश्चित ही आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दिन आप पंचामी से भगवान शंकर का यानी शिवलिंग का अभिषेक अवश्य करें और साथ ही माता पार्वती के लिए एक छोटी सी लाल चुन्नी और भगवान शंकर के लिए स्वापी या एक छोटा सा रुमाल अवश्य लें। और इस दिन आपको देखिए, अगर पति पत्नी मिलकर सच्चे मन से एक साथ भगवान शंकर का जलाभिषेक करते हैं तो यकीन मानिए जो आपकी मनोकामना है वो अवश्य पूरी होगी। साथ ही दोस्तों, भगवान शंकर की पूजा में भगवान शंकर की प्रिय वस्तु बेलपत्र, आप जो स्त्री है अगर वो अपनी उम्र के हिसाब से ले जाए तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। उनको धोकर उनकी चिकनी साइड या तो आप ओम नमः शिवाय लिखें या फिर चंदन का तिलक लगा सकते हैं। साथ ही दोस्तों, भगवान शंकर की पूजा में आप भांग, धतूरा, बेलपत्र, अक्षत, रोली, चंदन, कलावा अवश्य लेकर जाएं और भगवान शंकर के पूजन अवश्य करें। अगर पति पत्नी मिलकर करते हैं तो बहुत ही शेष है, नहीं तो दोनों में से कोई भी कर सकता है। सबसे पहले देखिए गणेश जी का पूजन अवश्य करें, उसके बाद शिवलिंग पर पतली सी धार अर्पित करते हुए ओम नमः शिवाय कहते हुए आप शिवलिंग पर जल अवश्य अर्पित करें। साथ ही जो भी वस्तु आप ले गए हैं दोस्तों, बेलपत्र जो स्त्री है अपनी उम्र के हिसाब से ले जाए, नहीं तो आप 7, 11, 21 कितने भी चढ़ा सकते हैं। ओम नमः शिवाय कहते हुए बेलपत्र अवश्य अर्पित करें और भगवान शंकर को इस दिन देखिए 2 केले का भोग अवश्य लगाना चाहिए। केला देखिए देविक फल माना जाता है और साथ ही इस दिन आपको देखिए 50 ग्राम या 100 ग्राम आपको शिवलिंगी के बीज लेने हैं। आपको एक पान का पत्ता लेना है, उस पर आपको देखिए चंदन से या रोली से ओम लिखे या ओम या आप स्वास्तिक बना सकते हैं। साथ ही आपको देखिए 1 मुट्ठी अक्षत लेने हैं बिना टूटा फूटा चावल, और साथ ही आपको थोड़े से जो शिवलिंग के बीज आपने लिए हैं उसमें से आपको थोड़े से शिवलिंग के बीज भी लेने हैं और अपने हाथों में पान के पत्ते को रखकर अपनी मनोकामना बोलते हुए, चाहे संतान की इच्छा है चाहे आप पुत्र की कामना रखते हैं, जो भी आपकी मनोकामना है वो बोलकर आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। भगवान शंकर का पूजन अवश्य करें, उनकी आरती अवश्य करें, साथ ही जो अपनी मनोकामना है नंदी के बाएं कान में अवश्य बोलें और उनको मीठे का भोग अवश्य लगाएं। दोस्तों, इस दिन आप किसी भी मीठी वस्तु यानी सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं, नहीं तो आप मिश्री का भोग अवश्य लगाएं। अगर आपको देखिए धतूरे का फूल मिल जाए या आंकड़े का फूल मिल जाए या फिर कनेर का सफ़ेद या पीला फूल मिल जाए तो वो भी अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि देखिए संतान प्राप्ति के लिए पुत्र की कामना रखते हैं तो इन फूलों को चढ़ाने से शीघ्र ही आपको संतान सुख प्राप्त होता है, इसलिए ये वस्तु भी अवश्य चढ़ाएं। दोस्तों, भगवान शंकर का पूजन करने के बाद देखिए आपने जो शिवलिंग के बीज लिए हैं वो आपको उठा लेने हैं, साथ ही आपको एक बेलपत्र उठाना है और आप अक्षत, अगर आपको अक्षत आपने जो चढ़ाए हैं या वो या दूसरों के चढ़े हुए थोड़े से अक्षत भी अवश्य ले आएँ। दोस्तों, आपको उसी दिन जो आपने जो केला अर्पित किया है उसमें से देखिए 1 केला आपको मतलब शिवलिंग पे ही चढ़े रहने देना है और 1 केले का आप पति पत्नी दोनों उस दिन ग्रहण करें, और दूसरे दिन मंगलवार के दिन जो आपने शिवलिंग के बीज लिए हैं उनको और चावल जो उठाए हैं उनको एक साथ पीस कर आपको देखिए 5 दिन तक, अगर आप पुत्र की कामना रखते हैं तो बछड़े वाली गाय के दूध के साथ ले लें, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में खाली पेट ही लेना है। अगर आप संतान की इच्छा रखते हैं तो आप कोई सा भी गाय का दूध ले सकते हैं और उसके साथ 1 चम्मच देखिए शिवलिंग के बीज का पाउडर बना लेना है, चावल और शिवलिंग के बीज का पाउडर बना के आपको 1 चम्मच गाय के दूध से लेना है। साथ ही दोस्तों, रात्रि के समय सोमवार के दिन आपने जो बेल पत्र उठाया है उसको आप अपनी नाभि पर रखकर सोएं, दूसरे दिन उस बेल पत्र को आप किसी भी पौधे के गमले में दबा दें। दोस्तों, 5 दिन तक आपको शिवलिंग के बीज और चावल का जो पाउडर आपने बनाया है उसको लेना है, देखना भगवान शंकर की कृपा हुई तो आपको शीघ्र ही संतान सुख मिलेगा। और शिवलिंग के बीज का प्रयोग देखिए पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है, अगर आप पुत्र की कामना रखते हैं तो बछड़े वाली गाय के दूध के साथ अवश्य लें, आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य पूरी होगी। तो बहुत ही सर्वार्थ सिद्ध योग है, इसमें भगवान शंकर का जलाभिषेक अवश्य करें, सच्चे मन से
उनसे अपनी प्रार्थना अवश्य बोले तो यकीन मानिए आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य पूरी होगी। तो साथ ही दोस्तों सावन के महीने में बहुत ही सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है। नौ भाग्यशाली राशियों को बहुत ही शेष लाभ मिलने के योग बन रहे, भगवान शंकर की कृपा होने वाली है। इन भाग्यशाली राशियों में सबसे पहली जो राशि है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, वृश्चिक, धनु, कुंभ और मीन। ये भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिनको बहुत ही श्रेष्ठ पुत्र संतान प्राप्ति के बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं। दोस्तों इस उपाय को अवश्य करें, निश्चित ही आपको मनवांछित संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। आप सभी को